गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशियों ने दो दर्जन गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्हें लोगों का भारी समर्थन भी मिला। वहीं समर्थकों के प्यार को देखकर राव इंद्रजीत ने दावा किया है कि वो इस बार 2014 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। गुरुग्राम के डूंडा हिडा बसई खैड़की दौला नरसिंहपुर कादीपुर गडौली बादशाहपुर अकलीमपुर और टीकरी समेत गुरुग्राम के दर्जनों गांव के लोगों के बीच जाकर उनसे अपने पक्ष में वोट करने की अपील की और राव इंद्रजीत को इस मौके पर लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया और राव इंद्रजीत सिंह को वादा किया कि इस बार वो जमकर वोट डालेंगे, साथ ही उन्हें एक बार फिर संसद में पहुंचाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों को पिछले 5 सालों में विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी, जिसमें राजीव चौक हीरो होंडा चौक सिग्नेचर टॉवर समेत जो फ्लाईओवर बने हैं वो उन्हीं का प्रयास था जिससे लोगों की समस्या का हल हुआ है। गुड़गांव में सबसे ज्यादा वोटों से 2014 में मैं जीता था। हालांकि बादशाहपुर की वोट गुड़गांव से ज्यादा है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जीत मुझे बादशाहपुर गुड़गांव से हुई थी। इस बार भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि गुड़गांव से सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है और सबसे ज्यादा वोट भी यहीं से मिले। आज से भाजपा को जितना समर्थन पहले मिला था उससे कहीं ज्यादा समर्थन इस बार मिलेगा। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा सरकार ने, केंद्र की योजनाओं ने मेवात के लिए काम किया है। इस मौके पर लोगों के बीच राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी दावा किया है कि इस बार लोगों में काफी जोश है और यही कारण है कि इस बार इसी प्यार की बदौलत 2014 लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार अधिक वोटों से जीत हासिल होगी। बीजेपी सरकार के राज में लोगों के विकास के साथ साथ समाज कल्याण के कार्यों को भी बड़ी तेजी से किए हैं, यही कारण है इस बार लोगों का अटूट समर्थन उनके पक्ष में है। अनिल बनचंदा, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम।